हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रखी है, यहाँ पे दोस्तों आपको इयन इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी देखने को आपको मिल रही है। इयन इंडिया जो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही समूह है, और जो कि यहाँ पे दोस्तों आपको काफी बड़े पैमाने पर वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 5,000+ यहाँ पे आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। 5,000+ पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे नॉन आईटीआई कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। देख सको, यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आउट करी गई हैं। इसका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट के बारे में, साथ ही साथ इसके यहाँ पे प्रोसेस के बारे में सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन नहीं किया मेरे, तो जाकर के कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि वहां पे मैं, अगर आपको चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट वहां पे नहीं करा पाता हूँ, तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको सबसे पहले वहां पे अपडेट करा देता हूँ, ठीक है। तो जाकर के वो वहां पे जो है ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आप जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसका फॉर्म जो आपको यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। और कैसे फॉर्म को फिलअप करना होगा, यहाँ पे मिनिमम जो आपकी एज रखी गई है, यहाँ पे देख सकते हो, तो 15 वर्ष तक आपकी एज रखी गई है। मिनिमम एज आपकी 15 वर्ष तक होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आउट करी गई है कि कौन कौन से डिवीजन पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, एंड कौन कौन से यहाँ पे आपको लोकेशन पर वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, सब कुछ हम आपको वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एक जो है लाइक कर देना, ठीक है। लाइक का टारगेट दोस्तों मैं आपको ज्यादा नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ 200+ लाइक करवा देना है, ठीक है। अगर आपने 200+ लाइक करवा दिया तो मुझे भी और भी अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मैं आपको जो है जल्दी से जल्दी आपको अपडेट लाने की आप कोशिश करूंगा। जो वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी या प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसी, उनकी अपडेट मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो जाकर के ना चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया जिन्होंने भी, वो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3,500+ आपको यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए। और नॉन आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे आपको 1,800+ यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे आपको नॉन आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप यहाँ पे निकल कर आ रही है, मैं आपको पहले बता दूँ, यंत्र इंडिया की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी गई हैं, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी काफी अच्छा तगड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना होगा और कैसे फॉर्म को आप फिलअप कर पाओगे, ये जानकारी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आउट किया गया है, तो चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल रिक्रूटमेंट के बारे में पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको पूरी डिटेल के माध्यम से बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख ही पा रहे, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस जो है देखने को भी यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है यहाँ पे जो सेना है उनके लिए यहाँ पे काम करती है, ठीक है, उनको गोला बारूद बनाने का काम करती है। तो अगर यहाँ पे इसमें आप अप्रेंटिस करना चाहते हो, उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको कैसे जो आपको अप्लाई करना होगा, वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को भाई बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, ठीक है, क्योंकि अगर स्किप करके देखोगे तो आपको कोई भी समझ नहीं आएगा। एंड नीचे आएंगे, थोड़ा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे, एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस 2023, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हो वैलिडिटी डेट देखने को मिल जाएगी, एंड वैलिडिटी एंडिंग डेट आपको देखने को मिल जाएगी। एंड सिंपली आपको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस, डाउनलोड करोगे आपके सामने इस तरह का यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जो कि अब आप देख ही सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आउट करी गई हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से 27/2/2023 के ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आउट किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा मौका निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट की बात करूँ तो 5,395 टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए 3,508 पोस्ट हैं, और नॉन आईटीआई वालों के लिए 1,887 पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ रही है, जो कि यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपको सारा कुछ, यहाँ पे लोकेशन आपकी जो रहेगी ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। एंड नीचे आएंगे थोड़ा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे
आपको ऑप्शन भी दिख जाएंगे जो कि अब आप देख ही पा रहे होंगे। इसकी जो स्टार्टिंग डेट हुई है 1/3/2023 को हुई है, इसकी लास्ट डेट देख सकते हो यहाँ पे 30/3/2023 रखी गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एज की तो यहाँ पे 15 से लेकर 24 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी आयु 30/3/2030 तक पूरी हो रही है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे एज रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कैटेगरीज यहाँ पे आपको देखने को जो मिल जाएंगी। और एज रिलेशन ऑन एज की अगर मैं बात करूँ लिमिटेड की, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कैटेगरी देख सकते हो यहाँ पे SC/ST वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर है, एंड OBC वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 ईयर रखा गया है। ठीक है, PH कैंडिडेट वालों के लिए 10 ईयर रखा गया है ऐसे ही यहाँ पे। और जो कि यहाँ पे देख सकते हो आपके लिए काफ़ी तगड़ा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और PH में ही कई कैटेगरी आती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप PH कैंडिडेट हैं उसमें कैटेगरी आपकी जनरल है तो भी आपको यहाँ पे 10 ईयर के आपको देखने को मिल जाएगा। OBC वालों के लिए यहाँ पे आपको 13 ईयर देखने को मिल जाएगा, ST वालों के लिए और SC वालों के लिए 15 ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पूरी डिटेल के माध्यम से समझा देता हूँ, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे। जो पहला जो है वो यहाँ पे नॉन IT कैटेगरी वाले के लिए, ठीक है, नॉन IT कैटेगरी वाले के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने यहाँ पे जो है 10th पास आउट कर रखा है, ठीक है, तो 10th पास आउट में आपके क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, और 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स के साथ साथ आपको यहाँ पे 40% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर एंड साइंस के अंदर। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। अब बात करते हैं IT कैटेगरी वालों के लिए, तो IT कैटेगरी वाले के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपने NCERT से कर रखी हो या फिर SCERT से कर रखी हो IT, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे आपके परसेंटेज है 50% से ज़्यादा है, अधिक है, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरा ब्यौरा जो है ब्यौरा यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ पे पूरी वैकेंसी डिटेल्स को पढ़ सकते हो। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यंत्र इंडिया की ऑफिशियल कैरियर पेज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसके थ्रू आप जा करके यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके थ्रू भी आप जा करके अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल आपको बहुत ही ईजी तरीका से आप बिल्कुल फ्री में जो है मतलब जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन शुल्क यहाँ पे आपको देख लेना होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो कि मैं आपको यहाँ पे आपको आगे बताने वाला हूँ। और जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच होने वाले हैं, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे जो कि आपको आपको दे रखे हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी होगी यहाँ पे मेरिट बेस्ड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि अब आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर रखा है बेस्ड ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे ITI के 10th के अकॉर्डिंग और टेंथ के मार्क्स के अकॉर्डिंग और ITI के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 10th के परसेंटेज और ITI के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ पे स्टाइपेंड के बारे में, तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन ITI वालों के लिए यहाँ पे 6,000 रुपये है और ex ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 7,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बात करें यहाँ पे दोस्तों हम स्टेट की और कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टेट, ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हो नेम ऑफ फैक्ट्री, यहाँ पे आपको ट्रेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आपको देखने को मिल जाएगा कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पे स्टेट जो देखने को मिलेगा आपको चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिल जाएगा, फैक्ट्री का नाम जो देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री चंडीगढ़, जिसमें नॉन ITI मशीनिस्ट वाले ट्रेड के लिए यहाँ पे देख सकते हो, जो कि जनरल वालों के लिए 5 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए नहीं है, टोटल वैकेंसी 10 निकल कर आ रही हैं। तो इस तरह से अपनी जो कैटेगरीज वाइज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो स्टेट यहाँ पे और उनका फैक्ट्री नेम दे रखा है टोटल, और यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है कौन नॉन ITI वालों के लिए और ITI वालों के लिए कौन कितनी कौन कौन से ट्रेड में कितनी पोस्ट निकल कर आ रही है जनरल OBC में, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे चार्ट वगैरह मेंशन करा गया है अपने
जो आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, देख पाओगे सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बात करें दोस्तों अगर अप्लाई की, तो अप्लाई आपको कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस है वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे जो आपको अप्लाई करना होगा। गाइज ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर के वहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है, डायरेक्टली कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने भी टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और हाँ दोस्तों अपनी जो जो भी आपकी ब्रांच है, जो भी आपने ट्रेड है जैसे आईडी कर रखी, तो उसकी ट्रेड वगैरह मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर के। बीटेक कर रखा तो वो ब्रांच को मेंशन कर सकते हो। गाइस जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में।